कांग्रेस नेता हरक सिंह की आंखों से फिर छलके आंसू, भावुक होकर कह दी बड़ी बात। उत्तराखंड की सियासत में अभी बस एक ही बात की चर्चा, सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले आंखों से क्यों निकले आंसू। विरोधियों को कड़क तेवर दिखाने वाले हरक क्यों पड़े नरम, किस डर के भ्रम में जीने लगे हरक। अपने कड़क अंदाज से सुर्खियों में रहने वाले, अपने कड़क बेधड़क तेवर के जरिए कईयों के सियासी दिमाग को ठिकाने लगाने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के साथ आखिर क्या हुआ कि आंखों से आंसू छलकने लगे। किस बात का डर सताने लगा कि लाख कोशिशों के बाद भी अपनी आंखों से आंसू को झलकने से रोक नहीं पाए। ऐसा लगा किसी अनजान डर से डरे हुए हैं, ऐसा लगा कुछ ऐसा वैसा होने का खौफ में जी रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आंखों से आंसू निकल रहे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे। इस बार हरक सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनकी आंखों से आंसू छलकते नजर आए। एक अच्छे काम के लिए, जिस काम के लिए हरक सिंह की तारीफ होनी चाहिए कि मैंने भारत सरकार से इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाया है। अरे ठीक है, अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया में, अब वो तो अधिकारी जाने ना, या पेड़ छपाने का काम हरक सिंह का थोड़ी है, पेड़ गिनने का काम हरक सिंह का थोड़ी है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 6000 पेड़ नहीं कटे होंगे। इसलिए कह सकता हूं कि मैं जब भी कोटद्वार जाता था अपनी विधानसभा, तो मैं काम देखने के लिए पाखरों कभी सुबह कभी दिन में अचानक शाम को चले जाता था। अगर इतने पेड़ कटते होते तो कहीं तो दिखते ना, पेड़ कटते हुए दिखते, मुझे तो दिखते कहीं। मैं तो अधिकारियों को बताता भी नहीं था कि मैं कब जा रहा हूं मौके पे, तो मुझे पेड़ कटते हुए दिखते, कहीं ट्रैक्टर से ले जाते हुए दिखते। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है जितने पेड़ छापे गए हों या जितनी गिनती हो 50-100 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 6000 पेड़ कोई मायने रखता है ना। मैं तो कह रहा हूं आज दुनिया की कोई एजेंसी साबित कर दे कि 6000 पेड़ कटे, उस दिन साला आजीवन कारावास की सजा सुना दे मुझे, मैं हर सजा भुगतने लेते यार। उत्तराखंड कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरू रेंज में टाइगर सफारी निर्माण घोटाले मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने के बाद ये वीडियो सामने आया। 13 अक्टूबर को इस मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत मीडिया के सामने भावुक हो गए और कहा कि कॉर्बेट टाइगर पार्क में 6000 पेड़ नहीं काटे गए, यदि कोई एजेंसी ये साबित कर दे तो वो आजीवन कारावास की सजा भुगतने को तैयार है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा से निकाले जाने के बाद भी हरक सिंह कैमरे के सामने इसी तरह आंसू निकालते हुए नजर आए थे। इस बार हरक सिंह के वन मंत्री रहते घोटाले का आरोप लगा। पाखरू रेंज में टाइगर सफारी निर्माण घोटाले मामले में सफाई देते हुए हरक सिंह रावत ने दावा किया कि ड्रीम प्रोजेक्ट वो बनाकर रहेंगे, इसके लिए वो कोर्ट तक के दरवाजे को खटखटाएंगे। उन्होंने खुद के कामकाज और अब तक किए गए विकास कार्यों को लेकर चुनौती भी दी। मामला कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत पाखरू टाइगर सफारी के निर्माण से जुड़ा है। आरोप है कि इस दौरान अवैध रूप से हजारों पेड़ काटे गए, पार्क क्षेत्र में कॉन्क्रीट निर्माण किए गए। पाखरू और मोरघट्टी में हुए अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेंटर एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। सीईसी ने साल 2021 में हुए अवैध कार्यों के लिए तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ किशन चंद को दोषी बताया। सीईसी ने बाघ के प्राकृतिक वास में टाइगर सफारी बनाए जाने पर सख्त टिप्पणी की। यह भी कहा कि जब पाखरू और मोरघट्टी में हो रही गड़बड़ियों की खबरें मीडिया में चल रही थी, तब भी तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच किया। बता दें कि गड़बड़ियों के आरोप में वन क्षेत्र के रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा और तत्कालीन डीएफओ किशन चंद पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब इस मामले में तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पर भी जांच की आंच पड़ती हुई नजर आई है। कहने वाले तो कह रहे हैं या आंसू तो उसी सीबीआई जांच की वजह से तो नहीं, या फिर आंसू के जरिए जनता तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं।